आज मुझे पता चला कि डेली व्लॉग करने में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं। लोग डेली व्लॉग करने को एक मतलब मुसीबत क्यों समझते हैं। वो बस इसी वजह से, जैसे मुझे आज कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आप लोगों को क्या दिखाना है, मुझे क्या दिखाना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि अगर मैं वही किचन में खाना बनता हुआ दिखाऊंगा, खाना खाते हुए दिखाऊंगा और वही ऑफिस का काम दिखाऊंगा तो आप बोर ही हो जाओगे। पिछले 3 दिन से आप ऐसे ही कुछ देख रहे हो तो फिर मुझे दिखाना क्या चाहिए। डेली व्लॉग करने में आई एम फेसिंग वन मोर इशू एंड दैट इज़, जैसे जैसे व्लॉग शूट होता है, शाम होती है, तो फिर व्लॉग एंड करने के बाद व्लॉग एडिट भी सेम डे करना होता है, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो व्लॉग एडिट करने में काफ़ी देर हो जाती है और रात को रोज लेट सो रहा हूँ मैं बस इसी चक्कर में। सो आई एम एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स जो मैं लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे देखता था कि भाई आज मेरे को इतनी देर हो गई व्लॉग करने में, व्लॉग एडिट करने में, फिर अपलोड तब होगा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो ऐसा सेम पिछले 3 दिनों से मेरे साथ हो रहा है। अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स हैं या फिर व्लॉगर्स हैं, उनके लिए डेली व्लॉग करना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ एक वही काम होता है। अब भाई हमारे साथ क्या है, हम तो इतने बड़े यूट्यूबर हैं नहीं, नौकरी तो छोड़ नहीं सकते, नौकरी तो करनी है ना, यूट्यूब तो पैशन है लेकिन नौकरी तो करनी ही है, पैसा कहाँ से आएगा वरना। अभी यहाँ से कुछ पैसा आ नहीं रहा तो, और आना शुरू भी होगा कभी तो बहुत धीरे धीरे शुरू होगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। सो इस वजह से ऑफिस का काम भी चलता रहता है और उसके साथ साथ व्लॉग भी चलता रहता है साथ साथ, और फिर शाम होती है, शाम को अपने घर के और काम तो करना ही है, व्लॉग एडिट भी करना है। अब हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने व्लॉग करना शुरू किया, ये सोच तो लिया मैंने, तो इस चीज़ से फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा आप लोगों के साथ कनेक्ट ज़्यादा अच्छा बन रहा है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं रोज़ मेरे वीडियोस पे, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आते हैं, वो लोग मेरे वीडियोस रोज़ देख रहे हैं, उनके साथ मेरा कनेक्ट अच्छा हो रहा है, उनसे मेरी बातचीत हो रही है और शायद वो मेरे कंटेंट से रिलेट कर पा रहे हैं और शायद वो मुझे रोज़ देखेंगे भी सही, व्यूज़ भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं जितने पहले नहीं आते थे। और मैंने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं। लेकिन इस चीज़ के कॉन्स ये हैं, जो सबसे बड़ा कॉन है कि कंटेंट कहाँ से लाया जाए। डेली कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो मैं आप समझ चुका हूँ। और इसके साथ साथ जब आपका दिमाग दो जगह पे होता है, जैसे कि मेरा एक ऑफिस में और एक यूट्यूब में, तो आप अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अब मेरे दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है लेकिन उस आइडिया को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, उस आइडिया को मैं एलैबोरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे ऑफिस में के लैपटॉप पे मेल्स आ रही हैं और वहाँ पे मुझे उस मेल का रिप्लाई करना है, तो दोनों चीज़ों के साथ बैलेंस क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू आर एंड आई होप कि आप लोग मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे और मेरे ब्लॉग्स को रेगुलरली देखेंगे एंड यू विल हेल्प मी टू ग्रो, यू विल सपोर्ट मी टू ग्रो। यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। अगर आपके यूट्यूब पे चैनल है तो ऑब्वियसली आप लोग कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव कर ही रहे होंगे ना, तभी लोग आपका कंटेंट देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं। जैसे कि मैं कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक कर ही रहा हूँ तभी तो लोग देख रहे हैं और तभी मुझे वीडियोस बनाने की, तभी आप लोगों को वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल रही है। सो यही एक आंसर है जो मुझे मिला अपने आप से कि भाई अपने आसपास की चीज़ों में क्रिएटिविटी ढूंढो, किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के वीडियो बनाओ और लोगों को बोर करो। कुछ कुछ लोग इसमें से बोर होंगे और कुछ कुछ लोग इसमें आपका टैलेंट देखेंगे और कुछ कुछ लोग आपसे मोटिवेट होंगे और कुछ लोग एंजॉय करेंगे। वर्क फ्रॉम होम के दिनों में आधा एंटरटेनमेंट तो मेरा घर पे ये दीक्षा ही कर देती है। देखा देखा, स्माइल आ गई ना इसके फेस पे। क्योंकि अगर मैं वैसे बताता हूँ, अगर जब भी जैसे ही अपनी मम्मी घर चली जाती है ना, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं घर पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम करता हूँ, चुपचाप बैठ रहता हूँ पूरा दिन घर में, फ़ोन पे लग लेता हूँ या फिर अपना ऑफिस का काम करता हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। शाम को रात को जब हम बेड पे जाते हैं तो मेरे को मूवी देखने का मन नहीं करता क्योंकि मैं अकेला होता हूँ। अब जब से दीक्षा आई है तब से ऑलमोस्ट मतलब हम हफ्ते में से 6-7 दिन में से 4 दिन तो हम रात को मूवी देख ही लेते हैं और उसके अलावा पूरा दिन ये मेरे को एंटरटेन कर ही देती है, अच्छा खासा एंटरटेन कर देती है। एंटरटेन कर देती है मैंने क्या, मतलब मैं अगर कभी बोर भी हो रहा हूँ या मूड ख़राब हो रहा है, कुछ हो रहा है या मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे अभी व्लॉग का कंटेंट है जो मेरे को नहीं आ रहा, तो इसने मेरे को बोला कि आओ मेरे साथ बैठो, हम बात करते हैं और फिर कुछ ना कुछ कंटेंट तो निकल ही जाएगा। तो किसने बोला फिर? झूठ बोल रहा है, मैंने आज नहीं बोला है बिकॉज मुझे बहुत काम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आज काम करते हैं। मैंने 2-3 दिन से सजेशंस दिए बहुत सारे। हाँ लेकिन कभी लेकिन जब भी मैं मतलब लो फील करता हूँ ना व्लॉग्स के मामले में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को अभी क्या चीज़ और कंटेंट में लेनी चाहिए, तो ये अपना आइडिया देती है और वो आइडिया काफ़ी बार वो अच्छा आइडिया निकलता है और आप लोगों ने वो काफ़ी बार ऐसे आइडियाज़ व्लॉग्स में देखे भी हैं,
जो सिर्फ सारे आइडियाज मेरे नहीं होते, वो मैडम के भी कुछ आइडियाज होते हैं जो तो आपका इफेक्ट आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो मुझे ऐसे सोचना पड़ता है कि शाश्वत मे बी यू नो ये भी ये शॉट ले सकते हो या फिर आप ये वाला शॉट भी ले सकते हो, मे बी हम खाना खा रहे हैं कहीं कुछ संगति, सीन है। संगति का भी तो असर होता ही है ना, तो वही तो कह रही हूँ आपसे सीखा है इसका, इसकी संगति का असर मेरे भी काफ़ी कुछ आया है, थोड़ी सी पागलपंती वाले हरकतें मैं भी करता हूँ और बाकी अब मैं वीडियो शूट करता हूँ मेरी संगति का असर इसके ऊपर भी आएगा ही, कुल मिला के सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके एक ठीक ठाक सा व्लॉग बन ही जाता है। यस, वैसे तो अभी ना दिन ख़त्म हुआ है ना ही ये व्लॉग, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के व्लॉग अभी से एडिट करना शुरू करता हूँ ताकि रात को जो टाइम है वो थोड़ा कम ही लगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल्स डेटा फाइल्स सारी डाल ली हैं लैपटॉप में और ये मैं अभी एडिट करूँगा थोड़ा बहुत। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और की है, ये आपको बताता हूँ एक चीज़ और, शायद आप लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता है वो पता चल जाएगा। आप लोग अपने मेमोरी कार्ड्स कहाँ रखते हैं, अगर आपके पास कैमरा के मेमोरी कार्ड्स हैं थोड़े ज़्यादा हैं, दो तीन भी हैं, दो भी हैं अगर, तो कहाँ रखते हो? मैं लेंस कैप्स हैं, मैं दो लेंस हैं उनके, जो कैप्स हैं उनके बीच में रखता हूँ और इसके अंदर ये ऐसे रहता है। तो फिलहाल मैंने क्या किया, मेरे कैमरे में 64GB का मेमोरी कार्ड लगा होता है इस कैमरे में, और ये मैंने बाहर से बाद में ख़रीदा था, और इस कैमरे में जो अभी लगा हुआ है दैट इज़ 16GB मेमोरी कार्ड जो कैमरा के साथ आया था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली 64GB का मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको निकालते हैं थोड़े दिन, 16GB वाला ही यूज़ करते हैं। ये तब यूज़ करेंगे जब कहीं ट्रैवल पे जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है इसमें। सो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं भी किया था, तो 16GB वाला यूज़ करते हैं, इसको रख देते हैं अभी। आज बड़े दिनों बाद एक्सरसाइज की है और पसीना तो आप देख ही रहे होंगे, तो ये देखो लड़का पीछे से झांक रहा है वत्सल कैमरा में, और यहाँ पे दीक्षा आराम कर रही है काफ़ी सारी एक्सरसाइज करने के बाद। टाइम लैप्स मेरे को पता चल ही गया होगा कि हम तीनों कितनी हार्ड कोर एक्सरसाइज कर रहे थे। तो अभी अंधेरा होने वाला है और मेरे को एक शिकायत है वत्सल और दीक्षा दोनों से कि चाहे आप लोग मेरे व्लॉग्स को शेयर करते हो, लेकिन ये दोनों मेरे व्लॉग्स को शेयर नहीं करते, खासकर अपने इंस्टाग्राम अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा रीच है वहाँ पर भी शेयर नहीं करते। अब आज कोशिश है कि इनसे कराऊंगा मैं शेयर, बट पता नहीं लोग करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप ज़रूर करना। घर वालों का भरोसा नहीं होता, कभी कभी बाहर वाले सक्सेस दिला देते हैं और घर वाले नहीं दिला पाते। सो अब कोई नहीं, इससे डांट में थोड़ी देर बाद खा लूँगा। सो आई होप आपको ये आज का छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा और कंटेंट कुछ ठीक ठाक ही बनाया होगा। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो टिल देन हम सब, और आप भी एक्सरसाइज करिए, हम भी कर चुके हैं। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना एंड बाय बाय, टेक केयर।